जीएसटी काउंसिल की बैठक में जहां 177 वस्तुओं को 28 से 18 प्रतिशत के दायरे में लाया गया, तो वहीं 13 वस्तुओं को 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाया गया। इसी तरह 6 आइटम्स को 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है, जबकि 8 वस्तुओं को 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाया गया है। 6 आइटम्स को 5 प्रतिशत से 0 की कैटेगरी में लाया गया है। जिन वस्तुओं को 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के स्लैब में लाया गया, उनमें डेंटल हाइजीन प्रोडक्ट, पॉलिश और क्रीम, चमड़े के बने कपड़े, आर्टिफिशियल फर, कुकर, स्टोव, आफ्टर शेव, डिटर्जेंट और वॉशिंग पाउडर शामिल है। इसके अलावा रेजर्स और ब्लेड्स, बैटरी, चश्मे, रिस्ट वॉच और मैट्रेस जैसी वस्तुओं को भी 28 से 18 फीसदी के स्लैब में लाया गया है। हालांकि पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स, सिगार और सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, सीमेंट, पेंट, परफ्यूम, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, कार और टू व्हीलर पर पहले की तरह 28 फीसदी की टैक्स दर बरकरार रहेगी। 18 के बजाय जिन वस्तुओं पर अब 12 फीसदी टैक्स लगेगा, उनमें डायबिटीज रोगियों को दिया जाने वाला खाना, प्रिंटिंग इंक, कृषि, बागवानी, कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान, जूट, कॉटन के बने हैंडबैग और शॉपिंग बैग शामिल है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ वस्तुओं पर जीएसटी को 5 के बजाय 0 फीसदी की कैटेगरी में लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।